ये क्या है? ये आइसक्रीम है। अरे हमको यहाँ ठंड लग रही है, हमारी तो आइसक्रीम लग रही है बगली। अरे क्योंकि भैया आपके अंदर बहुत सारा गर्मी भर गया है, आपको आइसक्रीम खाना पड़ेगा जिससे आपके अंदर का सब गर्मी भाग जाएगा। कम्बल लग रहा है, हमारे लिए आइसक्रीम ले आई थी ठंड में। अम्मा जी को कॉल कर दे ले चुके भैया। Oh God. अल्लू भी कितनी बड़ी जालिम औरत है, इतनी कड़कती ठंड में देखो मुझ मासूम पर कितने जुल्म कर रही है, कितने जुल्म कर रही है। ए भैया, ए भैया चाय पिलाओ। अबे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे बच्चा? मुझे देखकर तुझ पर बहुत तरस आ रहा है। मुझे क्यों क्यों तरस आ रहा है मुझ पर? तरस इसीलिए आ रहा है बच्चा कि भरी जवानी में तू बूढ़ा हो गया, तेरे अंदर का जोश खत्म हो गया है, तू ठंडा पड़ गया है बच्चा। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको कैसे मालूम चला? बाबा चन्ना लाल को कैसे पता, क्या पता, ये पता करके तू क्या करेगा बता? तू सिर्फ इतना बता कि तेरी खोई हुई ताकत और जवानी का जोश वापस चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए, 100% चाहिए। हाँ भाई हाँ। तो ये, 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 क्या निकालना है? बढ़िया बच्चा। कहाँ से निकालना है? वो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये ले। ये पूड़िया खाते ही तेरे तन बदन में आग लग जाएगी, जवानी का जोश वापस आ जाएगा। ये जो जैकेट पहन के घूम रहा है ना बच्चा, ये तुरंत निकल कर फेंक देगा। ठंड तुझे देखकर छू मंतर हो जाएगा बच्चा, ये ले। अबे ये पुड़िया का इन्हें भी पता चल गया। बाबा आपने ऐसी पुड़िया किसी ऐसे आदमी को दी है जो जिसकी मूछे हैं, चश्मा लगाता है? अरे बच्चा वो चश्मीश मूछों वाला बच्चा जो है उनको मैंने ही पुड़िया दी थी। इसकी शक्ल उसकी तरह है, छुछुंदर की तरह। एकदम छुछुंदर की तरह। अब तो वो पुड़िया लेने के लिए बार बार वापस आ जाता है बच्चा। अब आप एक्चुअली मेरे पास अपना वो नहीं है, क्या बोलते हैं वो? क्या बच्चा? पैसे। वो तो तेरा शक्ल देख कर ही लगा है बच्चा। लेकिन कोई बात नहीं, तू बाद में पैसा दे देना, लेकिन अभी खा ले। बाबा अभी नहीं खाऊंगा, इस पुड़िया के मजे लेके खाऊंगा। थैंक यू बाबा। उधारी में भी मजा लेगा बच्चा। वाह, ठंड में गर्मा गर्म सूप हो तो मजा आ जाता। गॉड, हाय बेबी, ओह गॉड, ठंड नाम पूछ रही है। बहुत देर लगा दी तुमने सब्जी खरीदने में। बेबी जब से एटीएम में पैसे आए हैं लोग मार्केट में आ गए हैं। And it's very crowded, बहुत भीड़ थी वहां पे। अच्छा? मुझे तो लगा कि तुम्हें बहुत ठंड लग रही थी, ठंड लगने की वजह से तुमसे सब्जी का थैला भी नहीं पकड़ा जा रहा था। तुम ये तानों के तीर मत मारा करो, यहाँ लगते हैं इधर। मैं कहाँ ताने मार रही हूँ, मैं तो जो हकीकत है वो बोल रही हूँ। तुम्हें ताने क्यों दे रहे हैं लोग यार, तुम्हें क्यों दे रहे हैं? Why? ये कह रहे हैं कि देखिए आपका हस्बैंड तो वक्त से पहले ही बुढ़ा हो गया है। Oh, like that? ऐसी बात है? ऐसी बात है और कैसी बात है? Baby, all right. आज के बाद कानपुर में कोई शख्स तुम्हें ताने नहीं देगा। बल्कि तुम्हें अपने हस्बैंड पर फख्र होगा। You'll be proud of me. Yeah. क्यों ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप? बेबी मैं वो कारनामा करने जा रहा हूँ जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। मैं वो कारनामा करने जा रहा हूँ जिसके सामने तिवारी जी का कारनामा बोना लगेगा, बोना। This small, जिसको तुमने अपने प्रोग्राम का हीरो बना रखा है, उस कच्चा बनियान ब्रांड को। अच्छा, मैं भी तो सुनूं कि आप ऐसा क्या कारनामा करने जा रहे हैं। बेबी मैं आज रात इस कड़कती ठंड में बर्फ की सिली पर तब तक लेटूंगा जब तक बर्फ पानी पानी नहीं हो जाती। ये
Excuse me. तुम्हें क्या लग रहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? हम जोकिंग? Oh my God! तुम्हारे जैसा आदमी इस कड़ाके की ठंड में बर्फ की सिल्ली पर लेटेगा? What a joke! भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। उधर ये ठीक खड़ी जरा। अरे अरे, it's cold. ऐसे क्या ठंड से मरे जा रहे हैं यार? भाभी जी आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। अरे तिवारी जी, तिवारी जी, आपका एक प्रतिद्वंदी आ गया है, कंपेटिटर मैदान में। हमारा प्रतिद्वंदी? जी, सुना आपने? आपने तो सिर्फ इस कड़ाके की ठंड में पानी से नहा के दिखाया था। विभू अब इस कड़ाके की ठंड में बर्फ की सिल्ली पर लेट के दिखाएगा, वो भी तब तक जब तक बर्फ नहीं पिघल जाती। अच्छा, यस, ये मजाक नहीं है, आई मीन बिजनेस। नहीं नहीं, हमें मजाक बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, बल्कि हम तो आपको प्रोत्साहन देने के लिए आज रात जरूर हाजिर होंगे। यार बहुत खुशी हो रही है भभूति जी, ये सुनकर गले लगी। नहीं यार, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, बहुत खुशी की बात है। आइए यार, आइए, कमाल है भभूति जी। कमाल है यार, ये तो बहुत अच्छे। हाँ बैठिए, कमाल है भाभी जी। देखिए आप इनका मजाक बिल्कुल मत उड़ाइए, बल्कि हौसला दीजिएगा, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, समझिए आप। नहीं 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 तिवारी जी, प्रॉमिस, मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तो एक्चुअली सपोर्ट कर रही हूँ विभू को। मैं तो अब ये कह रही हूँ कि अगर विभू ये कारनामा करके दिखाएगा तो मैं उसे एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगी। गिफ्ट बेटर बी गुड। भभूति जी, आज रात आपकी बहुत किरकिरी होने वाली है, क्योंकि जिस पुड़िया के दम पर आप इतना उछल रहे हैं वो हमने आपकी जेब से उड़ा ली है, और बदले में आपकी जेब में जुलाब की पुड़िया रख दी है। तो मिलते हैं आज रात को। या व्हाट अ जोक, ये डायलॉग तो कहीं सुना सुना सा लगता है। ना किसने बोला है, बट बोला है, सही बोला है। हेलो भभूति जी, खोलिए। हाँ रुकिए, भाभी जी बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, आदमी आदमी से बात कर रहा है तो बात जम जा रही है, भाभी जी फ्रीज हो जा रही है। गॉड, अभी जी लेकिन आप बड़ा एंजॉय कर रही है, ठंड को देख रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, काहे का मजा भभूति जी, कितना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है हदिया, और नल में से तो एकदम बर्फ जैसा पानी आ रहा है। भाभी जी लगता है आपके अंदर ठंड जम गई है, बस गई है, तो उसके लिए आपको गरम गरम चीजें खानी चाहिए, जैसे दूध जलेबी, दूध गरम, दूध बादाम, दूध गरम, एवरीथिंग गरम, और आई एम श्योर के आप ऑलरेडी काफी हॉट हैं, और हॉट हो जाएगी, ठंड भाग जाएगी, रन अवे। क्या बोले? अभी अब दोबारा गर्मी आ जाएगी आपको, यू विल बी नॉर्मल। हाँ, आपको मत बोले कि सब खाने पीने से हमारे अंदर का ठंडी भाग जाएगा। Yes, yes, भाभी, yes. हाँ, हाँ, तो हम तो ये सब खा पी रहे हैं, लेकिन हमको क्या लगता है भभूति जी कि इन सब चीजों का जरूरत ना आपको हमसे बहुत ज्यादा है। देखिए ना कितना सर्दी लग रहा है आपको, और आपसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग तो हम रिलेटिव के भैया हैं। कल तो बर्फ के पानी से नहा लिए। भाभी जी, लड्डू के भैया खाम खा का ड्रामा करते हैं, वो सबसे कमजोर आदमी है, इज अ वीकेस्ट वन। नहीं, वो आपसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। अभी आज रात फैसला हो जाएगा कि आपके लड्डू के भैया स्ट्रांग है या हम स्ट्रांग है। ऐसा क्या करने वाले हैं आप? वो तो आपको रात को ही मालूम पड़ेगा भाभी जी, लेकिन आइएगा जरूर। ठीक बा, हम भी देखते हैं कि आप का गुल खिलाते हैं। भाभी जी उड़ा लीजिए मजाक, लेकिन आज रात मैं वो गुल खिलाऊंगा कि आप अपने मोतियों जैसे दांतों तले उंगलियां दबा लेंगी, लाइक दिस। भाभी जी खिड़की बंद कर दीजिए, बहुत बहुत
ठंडा है। हमरे लड्डू के भैया है सुपरमैन वा, उनको तो ठंडा ही है लगता। थोड़ा दूर तो खड़े हो। ओह माय गॉड, आर यू श्योर इतनी भीषण सर्दी में तुम इस बर्फ की सिल्ली पर लेटोगे? ऑफ कोर्स, आई एम सर्टेन बेबी, आई एम 100% श्योर। भैया सुनिए ना, देखिए अच्छे से सोच लीजिए हैं प्लीज, क्योंकि आप बिना मतलब का फालतू की शेखी बगाड़ने के चक्कर में कहीं बैंड ना बज जाए आपकी। ओ पगलेट सक्सेना, तुम्हारा काम है मेरा कारनामा अपने कैमरे में कैप्चर करना। बकवास मत करो, अपने काम से काम रखो। ऑलराइट ऑलराइट, चलो ठीक है फिर शुरू हो जाओ। ऑलराइट, पहले तिवारी जी को आने दो, कम से कम उन्हें मालूम तो पड़े कि कानपुर में सिर्फ वो ही धुरंधर नहीं है, उनका एक बाप भी है। अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, हम भी अपनी आंखों से देखेंगे आपका ये अद्भुत कारनामा। रुको रुको दरवाजी, आज फिर कोई नया आइटम है रोए। अरे गोरी मैम, आज कौन सा आइटम पेश कर रही? What? What do you mean by आइटम कर रही हो? आपने क्या मुझे आइटम गर्ल समझ रखा है? चीप दारोगा। What does he think? He's a mad guy. भाई आज कड़कती सर्दी में भभूति जी बर्फ की सिल्ली पर लेटकर अपना अपना कारनामा दिखाने वाले हैं, जब तक कि बर्फ पानी पानी ना हो जाए। भैया तिवारी, तो भैया विभूति को दिमाग खराब होगा, वो क्या कर रहे यार जो? दारोगा अपने काम से काम रखो और सिर्फ खड़े होकर देखो हमको, हम क्या कारनामा करते हैं। चलिए भरभूति जी शुरू हो जाइए। सक्सेना जी, कैमरा इन पोजीशन। यस भाभी माँ, एक्शन। हेलो कानपुर, रात की रिपोर्टर प्रोग्राम में मैं अनीता मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ, और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन अनोखे लाल सक्सेना। आई लाइक इट। दिल थाम के बैठिए कानपुर, क्योंकि आपको मैं ऐसा कारनामा दिखाने वाली हूँ जिससे आपकी सांसें थम जाएंगी। आज हमारे कानपुर का एक जाबाज नौजवान विभूति नारायण मिश्रा इस कड़ाके की ठंड में बर्फ की सिल्ली पर लेटकर आपको दिखाएगा, और वो तब तक लेटा रहेगा जब तक बर्फ पानी पानी नहीं हो जाता। Guys, I love you, Kanpur. I love you guys. Let me take off my clothes. Let me out in front of the camera. Okay. दरोगा जी, ये क्या विभूति भैया बर्फ की सिल्ली पर क्या लेट पाएंगे क्या? हैं? बताओ ना। अरे हमें क्या पता यार, हम नहाए हैं कसम से रहते बैठ के। I like it. So, Vibhuti Narayan Mishra, the man himself, start. Guys, Kanpur guys. Okay. जो कारनामा आप देखने जा रहे हैं, I'm sure कि आपने वो कारनामा इससे पहले कभी नहीं देखा होगा. Because this is for the first and last time in the history of Kanpur. अब जल्दी करिए, नहीं गर्मी बह जाएगी। Never mind. So guys, everybody, here I go. Abharvati ji, coming. Yes, Babi ji. Not coming, it's come on. हाँ सही पकड़े हैं, लेट जाइए। भैया स्माइल। I like it. हाँ भैया, लेकिन ये कहाँ आप कह रहे हैं? मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, यू आर लाइव ऑन कैमरा, आप कांप क्यों रहे हैं? No, I'm not tittering. I'm fine. I'm good. I'm okay. बाबा जी की पुड़िया तो मैंने खा ली है, लेकिन मुझे ठंड क्यों लग रही है यार? कोई झोल तो नहीं है यार? Oh God. भाई कर क्या रहे हैं? बात तो लेटने की हुई थी, आप तो बैठे हैं। लेट रहे हैं।
लेट रहे हैं भाई। अब देख के ठंड लग रही भैया। अमरपति जी, कमिंग कमिंग। अभी जी इज नॉट कमिंग, इट्स कम ऑन कम ऑन। सही पकड़े हैं। दोस्तों, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये वो दृश्य है जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। इस कड़ाके की ठंड में ये बाका नौजवान इस तरह से बर्फ की सिल्ली पे लेटा हुआ है। इट्स अ रिकॉर्ड इन कानपुर, इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। कितना मजा आ रहा होगा, ठंडा ठंडा, कूल कूल, वेरी कूल। विभू, तुम कांप रहे हो क्या? No baby, I'm fine, I'm good, I'm good, I'm good. आप सोच रहे हैं ना कि बाबा की पूड़िया खाने के बाद भी जो है इतनी सर्दी काहे लग रही है, गर्मी काहे नहीं लग रही? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने जो है आपके जेब में से वो पूड़िया निकाल के दूसरी पूड़िया डाल दी थी। मम्मी! ये क्या है? ये सब कहाँ है बरबूती जी? आप तो बोले थे कि आप बर्फ पर तब तक लेटेंगे जब तक वो पानी पानी ना ही हो जाएगा। भाभी जी, मेरे बस का नहीं, मैं बेबस हूँ। काहे को मर रही थी होते? अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो फिर क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने की? पूरे प्रोग्राम की मट्टी पलीत कर दी तुमने। नहीं भाभी जी, आपके प्रोग्राम की मट्टी पलीत नहीं होगी। अरे ये तो एक नंबर के गीदड़ है। हम आपके प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। बर्फ की सिल्ली पर तब तक लेटे रहेंगे जब तक वो पानी पानी नहीं हो जाती। क्या बोल रहे हैं आप लेटेंगे यहाँ? अरे चुप रहो बगली, ये तो मिट्टी के शेर है। हम अभी बैठ के दिखाते हैं। कैमरा मैन अनोखी लाल सक्सेना। जी भाई माँ। पैन पैन द कैमरा टू दिस मैन, मनमोहन तिवारी। अवॉइड दिस गाय, अवॉइड दिस गाय। हेलो कानपुर। अभी हम आपके सामने वो कारनामा पेश करने जा रहे हैं जो आपने ना कभी देखा होगा, ना सुना होगा, ना ही कभी देखेंगे। जवानी और जोश से भरपूर कारनामा। रुक जाइए लड्डू के भैया। कम ऑन तिवारी जी। भैया स्माइल। बर्फ में बैठते ही खोखा सील हो जाएगा। हाँ। अरे यार, हमने काफी देर पहले बाबा जी की पुड़िया खाई थी, ये अभी तक असर क्यों नहीं कर रही है? तिवारी जी, अब बात हमारी लेटने की हुई थी। लेट के दिखाइए। भैया ठंड में कच्छो पहन रखो है का? मिस्टर तिवारी, गुड गोइंग, गुड गोइंग। भैया स्माइल। आप ठीक तो हैं लड़के भैया? आई एम फाइन बगली। He's not fine. मिस्टर तिवारी, आर यू ओके? ओके भाभी। हेलो विभूति मिश्रा। बोल रहा हूँ भैया, बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा? यार तुम्हारा नंबर निकालने में बहुत मुश्किल होता है यार। एक बात, अबे मैं बाबा चन्ना लाल बोल रहा हूँ भाई। जो पुड़िया लेके गया था ना, वो नहीं लेना, गलत पुड़िया दे दिया है बच्चा। जोश बढ़ेगा नहीं, जोश तो ऐसा वो। कहाँ हो गया? बड़ी चिरान है ये दोनों, बड़ी चिरान है। तिवारी जी,
बाबा जी का फोन आया था और वो कह रहे थे कि जो पुड़िया उन्होंने मुझे दी थी ना वो गलत थी। जो पुड़िया आप खा के लेटे हैं जी, ओके? दिया, क्या है आप हंस रहे हैं, आप रो रहे हैं, सर्दी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बलखान जड़ो लगो यार। अरे इतनी जारी चमड़ी में भी मैं जाड़ो लग रहा है। गुर्दा जंबे हाथ काट रहे दादा। लौंडो, ओ लौंडो, हमें लग रहा हूँ मार साहब की एक और रजाई चोरी हो गई। चलो चलो चलो। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हे रुको, सुनो। बन गए स्टील मैन, हो गया शौक पूरा, और लेटो बर्फ की सिल्ली पर। नो नो, मैं ऑलरेडी काफी परेशान हूँ, क्यों तानों के तीर मार मार के मेरा सीना छलनी कर रही हो? कोई ताने नहीं मार रही हूँ मैं, इस सब के जिम्मेदार तुम खुद हो। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही है अनीता जी, ये सब की जिम्मेदारी दोनों ही हैं। और लड्डू के भैया आपको कितना मना किए थे, कितना मना किए थे कि इतना ठंडी में ये सब हरकत ना ही कीजिए, लेकिन क्या बोले हमको, अंगूरी हमारे अंदर जोश और गर्मी बढ़ गया है, देखिए वो सब ठंडा पड़ गया। अरे छोड़ो ना बगली, अब जो हो गया सो हो गया। आपने तो बोल दिया जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप दोनों की तिमारदारी हम ही को करनी पड़ेगी ना। आए आए भाभी जी, दोनों मरीज की रिपोर्ट आ गई है। क्या रिपोर्ट आया है भाभी जी? इन दोनों को बहुत जबरदस्त निमोनिया हुआ है, बर्फ इनके फेफड़े में जम गई है। अरे तो आप डॉक्टर हैं, वो फेफड़ों में से बर्फ निकालिए। हाँ हाँ डॉक्टर हैं तो कितना आसान है कि मुंह में हाथ डालो और बर्फ निकाल दी। प्रॉपर 2-3 महीने जब ट्रीटमेंट चलेगा ना तब जाके आप लोग ठीक होंगे। 2-3 महीने निमोनिया ठीक होने में 2-3 महीने लगेंगे डॉक्टर साहब। और नहीं तो क्या, रोजाना आधे घंटे खौलते हुए पानी में आप दोनों को रखा जाएगा, तब जाकर थोड़ी थोड़ी ये बर्फ पिघलेगी, ऐसे ही थोड़ी ठीक हो जाएंगे आप लोग। बर्फ तो पिघल जाएगी लेकिन फफोले पड़ जाएंगे। आए भाभी जी आइए, पानी खौलाते हैं। हाँ चलिए, ये हाथ अंदर रखिए लड्डू के भैया। अनीता जी आज कितना अच्छा धूप निकला है। हाँ कम से कम शीत लहर तो खत्म हुई। भैया बाबा जी ने पुड़िया भिजवाई है। Hey